नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। बच्चों, आज मैं सुपर 20 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, जो TGT, PGT और LT के लिए है, उसमें मैं प्लांट एनाटॉमी के 20 सवाल लेके आ रहा हूँ। बच्चों, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आपको कहीं भी कोई पेड टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, क्योंकि मैं सब क्वेश्चन खुद करवा दूँगा, तो आप क्यों पैसा खर्च करेंगे। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए भी। तो चलिए, मैं और आप मिलकर के शुरू करते हैं सुपर 20 क्वेश्चन। तो पहला सवाल है, इसमें इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स सनकेन स्टोमेटा आर फाउंड। कह रहा है इनमें से किसमें सनकेन स्टोमेटा धंसे हुए रंध्र है। स्टोमेटा को रंध्र भी कहते हैं, सनकेन मीन्स धंसे हुए पाया जाता है। पहला नेरियम, दूसरा हाइड्रिला, तीसरा मैंगो, चौथा गुआवा। आपको पता बेटा जी, जीरोफिटिक प्लांट में सनकेन स्टोमेटा पाया जाता है। तो 2 से 3 सेकेंड आपके पास हैं, आप जवाब सोच लीजिए तो मैं जवाब देता हूँ। ये सवाल घूम करके हैं बेटा जी, एक तो जीरोफिटिक प्लांट आपको छांटना पड़ेगा, आप फिर बताना पड़ेगा सनकेन स्टोमेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ए, नेरियम। नेरियम में सनकेन स्टोमेटा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वैस्कुलर बंडल इन विच फ्लोएम इज फाउंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ जाइलम आर कॉल्ड एम्फीक्राइबल, रेडियल, बाइकोलेटरल और कोलेटरल। ये कह रहा है कि उस वैस्कुलर बंडल का नाम बताइए जिसमें जाइलम बीच में रहता है और उसके दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। तो जानते हैं ये स्ट्रक्चर कैसे होता बेटा जी। ये वैस्कुलर बंडल हो गया, ये बीच में आपका जाइलम हो गया, ये क्या है जाइलम हो गया, ये बाहर की तरफ फ्लोएम है, आउटर फ्लोएम हो जाएगा, ये अंदर की तरफ भी फ्लोएम हो जाएगा जिसको इनर फ्लोएम कहा जाएगा, और ये बीच में जाइलम है, ये पूछ रहा है। तो आप जान गए होंगे ये बाइकोलेटरल है। और आपको पता है बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल कुकरबिटेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, एपोसाइनेसी फैमिली और मिरिटेसी फैमिली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पेरीडर्म कंप्राइजेज ऑफ। पेरीडर्म क्या क्या कंप्राइज करता है, क्या कंसिस्ट करता है। पहला फेल्लम, दूसरा फेल्लोजन, फेल्लोडर्म और आलापदीज। बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा जी, इसके पहले वाला भी सवाल बहुत बढ़िया था, बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल जो था। तो आप जवाब सोच लीजिए, मैं जवाब देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आलापदीज हो जाएगा, आलापदीज माने चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जार्च जाइलम इज फाउंड इन। आपको पता बेटा जी, एग्जार्च जाइलम का मतलब है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होता है, जो पहले जाइलम बनता है, फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम को हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, और जो प्राइमरी प्रोटोजाइलम के बाद जो बनता है वो मेटाजाइलम है। तो अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ तो कंडीशन एग्जार्च कहलाती है। ये पूछ रहा कि एग्जार्च जाइलम इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है, रूट में, कि स्टेम में, कि लीफ में, कि नैनाब्दीज। तो ये पाया जाएगा बेटा जी रूट में, एग्जार्च रूट में, एंडार्च स्टेम में। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं पहले कह रहा हूँ कि इनडायरेक्टली आपको सोचना पड़ेगा इस सवाल के बारे में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इंक्लूड्स, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या है, कोलेनकाइमा, एपिकल मेरिस्टेम, कंडक्टिव टिश्यू और आइडियोब्लास्ट। आपको पता है बेटा जी, परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में कोलेनकाइमा देखिए है, एपिकल मेरिस्टेम ये तो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, आइडियोब्लास्ट जो है एक प्रकार का पेरेनकाइमा है। तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपका जाइलम और फ्लोएम होता है, दोनों का काम कंडक्शन ही करना होता है। तो 5 का सी हो जाएगा, कंडक्टिंग टिश्यू। आप सोचिए कितना बढ़िया सवाल है। तो 5 का सी, कंडक्टिंग टिश्यू, बहुत ही बढ़िया सवाल।
सेल्स ऑफ क्विसेंट सेंटर हैव लो अमाउंट ऑफ क्विसेंट सेंटर रूट के अपेक्स पर पाया जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है, कह रहा है कि लो अमाउंट किसका पाया जाता है, आरएनए का कि प्रोटीन का कि डीएनए का कि ऑल ऑफ दीज। जब हम लोग पढ़ाते हैं तो कहते हैं बेटा द कंटेंट ऑफ डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन्स आर वेरी लो इन दिस रीजन ऑफ सेल्स क्विसेंट सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7, एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन, पूछ रहा है एयर स्पेसेस कहाँ पाए जाते हैं, हाइड्रोफाइट्स में कि जीरोफाइट्स में कि मीजोफाइट्स में कि ऑल ऑफ दीज। आप जवाब सोच लीजिए, आपने सोच लिया होगा और आप जा रहे होंगे किसके साथ, हाइड्रोफाइट्स के साथ। एयर स्पेसेस होते हैं जिसको एयर चैम्बर कहते हैं बेटा जी, एयर चैम्बर के कारण वो उसमें एयर भरी होती है और वो प्लांट आसानी से फ्लोट कर लेता है, तैर लेता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेसल्स आर फाउंड इन, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, अगर आप पहले से नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो गलत होने के चांसेस रहेंगे। वेसल्स आर फाउंड इन, करा ऑल एंजियोस्पर्म्स एंड सम जिम्नोस्पर्म्स, दूसरा मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म्स, सी ए ऑल एंजियोस्पर्म्स ऑल जिम्नोस्पर्म्स एंड सम टेरिडोफाइट्स ऑल टेरिडोफाइट्स। बहुत ही बढ़िया सवाल है, लगाइए और मुझे बताइएगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 8 को सही कर लिया था कि नहीं किया था, क्वेश्चन कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये हो जाएगा बेटा जी इसका बी वाला सही बिल्कुल है, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 है, वैस्कुलर टिश्यूज इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलप फ्रॉम, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। डर्मेटोजन से आपको पता है बेटा जी, डर्मेटोजन से क्या डेवलप करता है, फेलोजन से क्या डेवलप करता है, प्लीरोम से और पेरीब्लेम से। तो पहला है पेरीब्लेम, दूसरा डर्मेटोजन, तीसरा फेलोजन, चौथा प्लीरोम। प्लीरोम से बनता है सेंट्रल कोर ऑफ द एक्सिस, सेंट्रल कोर जो बनी होती है वो आपका वैस्कुलर टिश्यू से ही बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी जाएगा आंसर, प्लीरोम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सो मल्टीपल एपिडर्मिस, आपको पता है बेटा जी जनरली एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है लेकिन कुछ प्लांट में मल्टी लेयर्ड भी होती है। इसमें चार प्लांट दिया हुआ है, ए क्रोटान है, बी एलियम है, सी नेरियम है और डी कुकरबिटा है। आपको बताना है एक प्लांट का नाम जिसमें मल्टीपल एपिडर्मिस पाई जाती है, मतलब कई लेयर पाई जाती है एपिडर्मिस की। क्वेश्चन नंबर 10, इसका जवाब नेरियम है बेटा जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा जी, सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज में ये 10 सवाल हम लोग कर चुके हैं, यानी आधा पड़ाव तय कर चुके हैं। बेटा जी आपसे मेरी विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ बेटा जी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने परिचितों दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं बेटा जी, जो भी TGT PGT LT की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, मेडुलरी रेज आर मेड अप ऑफ, पूछ रहा मेडुलरी रेज किसकी बनी होती हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स की, स्केलेन्काइमेटस सेल्स की, ट्रैकिड्स की, फाइबर्स की। क्वेश्चन नंबर 11, आप देखिए आप ए के साथ जाएंगे, पैरेन्काइमेटस सेल्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज जाइलम ओनली, फ्लोएम ओनली, जाइलम एंड फ्लोएम बोथ और ग्राउंड टिश्यू। देखिए एक सवाल और तो आया था, ये दूसरा भी सवाल आ गया, अलग अलग सवाल है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम फ्लोएम दोनों आते हैं, तो 12 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कॉरकैमियम गिव राइज टू, आपको पता है बेटा कॉरकैमियम को फेलोजन कहते हैं, ये बाहर की तरफ फिल्म कट करता है, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स कट करता है। तो आपका क्या हो जाएगा 13 का ए, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तो 13 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल,
वैस्कुलर बंडल दो प्रकार के होते बेटा, ओपन एंड क्लोज्ड। तो पहला है कैमियम प्रेजेंट, दूसरा है कैमियम एब्सेंट, तीसरा पेरीडर्म एब्सेंट, नन ऑफ दीज। आपको पहले से पता है कि ये डिपेंड करता है कैमियम के, कैमियम अगर है तो वैस्कुलर बंडल ओपन है, नहीं है तो क्लोज्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, बी कैमियम एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 15, कॉमन बॉटल कॉर्क इज प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ, जो कॉमन बॉटल कॉर्क है वो किसका प्रोडक्ट है ये पूछ रहा है। तो वो आपको पता बेटा, ये इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, डर्मेटोजन, फेलोजन, जाइलम और वैस्कुलर कैमियम। बहुत बढ़िया सवाल है। आपको पता है जो फेलोजन होता है बाहर की तरफ वो कॉर्क कट करता है, अंदर की तरफ वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स कट करता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, फेलोजन का प्रोडक्ट होता है कॉमन बॉटल कॉर्क। तो 15 का बी, वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वैस्कुलर कैमियम कहाँ पाया जाता है, सनफ्लावर में, मेज में, साइकस में कि पाइनस में। 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसके साथ जाएंगे आप, बी के साथ जाएंगे, मेज। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरफेस्कुलर कैमियम डेवलप फ्रॉम दी सेल्स आप, आपको पता है इंटरफेस्कुलर कैमियम ये एक वैस्कुलर बंडल है, ये दूसरा वैस्कुलर बंडल है, ये देखिए बीच में कैमियम है, ये कैमियम है, ये नीचे जाइलम है। ये जो कैमियम होता है इसको फैस्कुलर कहते हैं, इसको भी फैस्कुलर कहते हैं, इनके बीच में ये बनता है, ये इंटरफैस्कुलर होता है। तो ये किसका किससे बनता है, तो ये बनता है मेडुलरी रेज से। तो डी हो जाएगा, 17 का डी, मेडुलरी रेज। क्वेश्चन नंबर 18 है, एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाई, किसी पेड़ की एज को आपको एस्टिमेट करना है कि कितने साल का है, तो कैसे पता चलेगा। पहला है बायोमास, दूसरा है नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, तीसरा डायमीटर ऑफ इट्स हार्ट वुड और इट्स हाइट एंड गिर्थ। तो आपको पता है एनुअल रिंग्स से ही पता करते हैं हम काउंट करके, तो नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स कहते हैं बेटा जी। आपको पता है द एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ ए ट्री बाई काउंटिंग द एनुअल रिंग्स नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एक टर्म डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, हाउ मेनी सूट एपिकल मेरिस्टेम्स आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन ए ट्विग ऑफ प्लांट पजिजिंग अ फोर ब्रांचेज इन 26 लीव्स। बहुत बढ़िया सवाल है ये। ये देखिए आपका एक मेन स्टेम है, मेन स्टेम पर एक होता है एक, फिर इसके पास कितने ब्रांचेज हैं, चार, एक यहाँ भी हो जाएगा, दो यहाँ भी हो जाएगा, तीन यहाँ भी हो जाएगा, चार यहाँ भी हो जाएगा। तो कितने प्रकार के मेरिस्टेम, कितने मेरिस्टेम हो जाएंगे सूट एपिकल मेरिस्टेम, एक दो तीन चार पाँच। तो क्या हो जाएगा इसमें, सी जाएगा, पाँच, क्योंकि एपिकल सूट एपिकल मेरिस्टेम बेटा मेन स्टेम पर साथ साथ ब्रांचेज पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज में प्लांट एनाटॉमी का आज आखिरी सवाल बेटा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, कौन डेड सेल्स से बनता है। बहुत बढ़िया, कंफ्यूज करता है सवाल को, याद रखिएगा। तो पहला है फ्लोयम, दूसरा है फेलम, तीसरा कोलेनकाइमा, चौथा जाइलम पेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा लिविंग है, जाइलेनकाइमा लिविंग है, फ्लोयम के तीन पार्ट लिविंग होते हैं, एक डेड होता है। तो यहाँ फेलम पूरी तरह से, फेलम जिसको क्या कहते हैं बेटा, कॉर्क कहते हैं, ये डेड है। तो 20 का बी। तो ये सुपर 20 क्वेश्चन प्लांट एनाटॉमिक हो गए बेटा जी, सारे के सारे सवाल बहुत अच्छे हैं। तो फिर मैं कह रहा हूँ बेटा जी कि ये चैनल बिल्कुल फ्री है, फ्री में आप वीडियो देखिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए बेटा जी, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।